अपने बोर्ड सब्जेक्ट और टेक्निकल खामियों की वजह से ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अहमद बशीर डिप्रेशन का शिकार हो गए। हेलो एवरीवन, नीले रंग का पर्वत तो शायद ही किसी ने देखा हो, लेकिन नीला पर्वत नाम की पाकिस्तानी फिल्म हमारे सीनियर्स ने जरूर देखी होगी। नीला पर्वत 1962 में रिलीज हुई। इसको लिखा था नामवर राइटर मुमताज मुफ्ती ने और इसके डायरेक्टर थे मशहूर जर्नलिस्ट अहमद बशीर। दोस्तों, नीला पर्वत एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी। अपने बोर्ड सब्जेक्ट और टेक्निकल खामियों की वजह से ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और अहमद बशीर डिप्रेशन का शिकार हो गए। नीला पर्वत बॉक्स ऑफिस पर तो कोई मकाम ना बना सकी, लेकिन अहमद बशीर की ब्रिलियंट बेटियों ने परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो अपना मकाम बनाया है उससे तो हम सभी वाकिफ हैं। जहां बुशरा अंसारी, सुंबल और अस्मा अब्बास ने फिल्म और टीवी में नाम कमाया, वहीं नीलम अहमद बशीर ने फिक्शन राइटिंग में कमाल दिखाया। नीलम अहमद बशीर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनके साथ नीला पर्वत और उनके वालिद की कुछ यादें शेयर करते हैं। नीलम बशीर साहिबा, सबसे पहले आप अपने वालिद की शख्सियत के बारे में बताइए। वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे और इंतहाई दबंग सहाफ़ी के नाम से आज भी जाने जाते हैं। उनकी तो शख्सियत और उनकी तारीख जो है बहुत दिलचस्प है, उस पर किताबें लिखी गई हैं। नीला पर्वत फिल्म को वो पजीराई ना मिल सकी जो अहमद बशीर चाहते थे, इसकी क्या वजह थी? दरअसल मेरे अब्बा कोई फिल्मी आदमी तो थे नहीं, वो एक इंटेलेक्चुअल थे, प्योर इंटेलेक्चुअल, बड़ी हायर लेवल की थॉट थी उनकी। तो वो जिस लेवल पे खुद थे वो समझते थे कि आवाम भी शायद वैसे ही सोचेगी। जैसे उन्होंने जब मौसीकी ली तो क्लासिकल मौसीकी ली, एक शायद फैंटेसी थी कि जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो शायद सबको समझ में आ जाए। उन्होंने कहानी भी मुमताज़ मुफ्ती से लिखवाई जो कि आला पाए के अदीब थे, गाने भी उन्होंने हफीज़ जलंधरी से लिए, इब्ने इंशा से, सब कुछ क्रीम थी, यानी कि टॉप क्वालिटी। उन्होंने फिल्म बनाई और वो ऐसे सब्जेक्ट पे बनाई जो कि आज भी नहीं चल सकता, लोगों ने तो कुर्सियाँ तोड़ दी हॉल में। उसके बाद उन्होंने तकरीबन उस फिल्म को डिसओन ही कर दिया, वो कभी नहीं कहते थे कि मेरी फिल्म बनाई, दिल टूट गया उनका। सब्जेक्ट उसका ये था कि एक ख़ानदान है जैसे रिवायती ख़ानदान होता है और उसमें हीरो था पाइंदा खान, जो कबायली ज़ाहिर नेचर के लोग हैं। तो वो उसके पास एक लड़की होती है जो उसका दोस्त मरते मरते छोड़ जाता है कि मेरी बेटी तुम संभाल लो, एज अ डॉटर इसको तुम मतलब परवरिश करो इसकी। तो वो जब बाप उसको रेज कर रहा होता है, उसको बेटी पाल रहा है, तो वो उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। अब जाहिर है उसकी वो असली बेटी तो है नहीं, वो अडॉप्टेड बेटी है, मगर वो उनको ही फॉल्स इन लव विद द गर्ल। अब लड़की जो है वो उसके बेटे से मोहब्बत करती है, तो ये अजीब सा ट्राइंगल बन गया ना। तो इसमें फिर वो जाहिर है कश्मकश हुई, वो फिर पाइंदा खान तालिश साहब बने थे, वो उनकी जो जहनी कर्ब था वो दिखाया गया कि वो गिल्ट में रहते थे कि मैं अपनी इसको बेटी बना के पाल रहा हूँ और मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। फिर वो कैसे रातों को चीखे मारते थे और वो अपने पाँव जलाता था कि मैं उसके कमरे में ना जाऊं और वगैरह वगैरह। तो वो काफ़ी मेच्योर एडल्ट किस्म का सब्जेक्ट था जो कि नफ्सियात में होता है ये, लेकिन आम पब्लिक इसको कहाँ मान सकती थी कि जो अडॉप्टेड बाप है उसको मोहब्बत भी हो सकती है। तो फिर इस पर फिर वो बाप और बेटे की जंग होती है, फिर सारा ख़ानदान मारा जाता है, इस किस्म की स्टोरी थी। फ्रेंड्स, नीला पर्वत की कहानी वाकई अपने वक्त से बहुत आगे थी। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।